नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। जैसी नगर में 20 मई से 22 मई तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ जिला कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के अधिकारी जैसी नगर कथा स्थल पहुँचे, जिन्होंने कथा स्थल पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कथा में रोजाना लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर कलेक्टर, एसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं व पार्किंग का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विद्युत विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने भोजनशाला का भी निरीक्षण किया। यहां बता दें कि कथा का आयोजन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा करवाया जा रहा है। मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कथा में रोजाना 1,00,000 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। कथा को लेकर लगभग 125 एकड़ में तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें मुख्य टेंट 50 एकड़ में लगेगा, बाकी जगह भोजनशाला, पार्किंग, बाथरूम, शौचालय आदि का निर्माण होगा। सागर से जिला ब्यूरो राजेश पारासर की रिपोर्ट। जैसी नगर में हमारी विधानसभा क्षेत्र सुरखी में 19, 20, 21, 22 को आगमन हो रहा है। लोगों में बड़ा हर्ष है, खुशी है, और जब इतने करीब लाखों की तादाद में यहाँ लोग आएंगे तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसी हो, अन्य व्यवस्था कैसी हो, इसी आज सारे जिला प्रशासन आया था, सबने देखा। बाकी व्यवस्थाएं तो हमारे कार्यकर्ता और जो स्वयंसेवी संघ हैं और जो धर्म प्रेमी हैं वो लोग कर ही रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर, एसपी और सारे अधिकारी यहाँ आए थे, सारी व्यवस्थाएं देखी। तो मैं समझता हूँ 3 दिन का ये कार्यक्रम है और इसमें हर दिन करीब 1,00,000 धर्म प्रेमी पहुँचने की संभावना है।